मुश्किलों में मैं तुम्हारे काम आऊं ना आऊं, मेरा नाम लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसा ही कुछ प्रॉमिस वेक्टर का फिजिक्स के साथ है। नमस्कार, आप लोगों के बीच आज फिर वेक्टर का ही एक अध्याय लेकर के आया हूँ। पिछले कुछ क्लासेस में वेक्टर का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, वेक्टर के एडिशंस हम लोग देख चुके हैं। वेक्टर का रिजोल्यूशंस भी एक लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। अगर किसी को कोई समस्या हो तो उस लेक्चर को आप वापस देख सकते हैं। आज हम वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर में, वेक्टर दो चीज़ों से मल्टीप्लाई होता है, एक तो रियल नंबर से और दूसरा वेक्टर से ही। रियल नंबर से फर्दर जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो दो तरह का होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर से, दूसरा नेगेटिव रियल नंबर से। वेक्टर का भी, वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में होगा। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर एक लैम्डा ले लिया और लैम्डा से हमने किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया। ओके, तो वैसे केस में मैग्नीट्यूड जो होगा वो लैम्डा टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगा जो पहले था। जैसा आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, एक वेक्टर हमारे पास सपोज़ कीजिए कि ए मिल गया। इस वेक्टर को हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो हमारा लैम्डा इंटू ए वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है कि लैम्डा 1 से छोटा हो, मान लीजिए कि 1/2 हो, तो वैसे केस में ए वेक्टर ऐसा है तो लैम्डा इंटू ए वेक्टर उसका हाफ लेंथ का होगा। ओके, अगर यही लैम्डा 2 है तो इसका लेंथ जो होगा ए वेक्टर से सीधे डबल होगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ डायग्राम में। और हो सकता है कि ये लैम्डा कोई बड़ा नंबर 5 हो तो इसका लेंथ, ओके, 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली देख लेना है कि लेंथ जो है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और एरो डायरेक्शन को। हर बार डायरेक्शन वही रहा जो ए वेक्टर का डायरेक्शन था, क्योंकि आपने साफ लिखा यहाँ पर डायरेक्शन रिमेंस सेम, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। ओके, ये बात हो गई जब एक वेक्टर कोई पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ऐसी स्थिति आती है। हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रियल नंबर से हो रहा हो, और जब मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव रियल नंबर से होगा तो वैसे केस में आपके पास एक और स्थिति आएगी, उसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर माइनस लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड तो फिर से वही आपको लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होगा एंड यहाँ पर डायरेक्शन विल बिकम अपोजिट। इस केस में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो फिलहाल अगर ये ए वेक्टर था, माइनस लैम्डा ए वेक्टर आपको डिनोट करना है तो आपको इस तरह से डिनोट करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि पहले वाली स्थिति आ ही रही है कि लैम्डा 1 से छोटा हो, लैम्डा 1 से बड़ा हो, बड़ा में आपको और भी नंबर मिलेंगे। तो वैसे केस में देखिए, ए वेक्टर है, लैम्डा का वैल्यू 1/2 है, वो भी नेगेटिव में, मान लीजिए -1/2 लिखते हैं, तो वैसे केस में आपका ये वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा। यहाँ अगर -2 है तो फिर इस वेक्टर का लेंथ तो ट्वाइस हो जाएगा, लेंथ ए जितना है उसका ट्वाइस होगा, लेकिन एरो अपोजिट हो जाएगा। उसी तरह से अगर लैम्डा इक्वल टू -5 है तो वैसे केस में आप फिर से एरो को रिवर्स कर देंगे, यानी एंटी पैरेलल हो जाता है वेक्टर अगर नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो। तो जब भी आप किसी वेक्टर को नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा और मैग्नीट्यूड जो लैम्डा नंबर है उतना टाइम्स इंक्रीज कर लेगा। चलिए डॉट प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन जो होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा, या ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर आप ये पूछना चाहें कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा ही क्यों होता है तो ये आंसरेबल नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है।
ठीक उसी तरह से जैसे डेंसिटी का डेफिनेशन मास पर यूनिट वॉल्यूम है, आप डेंसिटी जब भी लिखेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ही लिखेंगे। जिस साइंटिस्ट ने डेंसिटी टर्म यूज़ किया होगा वो मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही डेंसिटी कहा है, हमको उसको मान के चलना होगा। ओके, तो एक काम कर सकते हैं, इसके फिजिकल मीनिंग को समझ सकते हैं, और फिजिकल मीनिंग को समझने के लिए आपको करना क्या होगा, जो वेक्टर्स दिए हैं आपको एक ए वेक्टर दिया हुआ है जैसा है उसको ड्रॉ कर लीजिए, बी वेक्टर है उसके इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन करते हुए उसको ड्रॉ कर लीजिए, और ड्रॉ करने के बाद से यहाँ जो ए डॉट बी आपको बता रहा है उसको आप लिख लीजिए ए बी कॉस थीटा। ध्यान देंगे अगर यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद से इस बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के तरफ तोड़ते, ए के पैरेलल में तोड़ते, तो हमारे पास ये कंपोनेंट जो आता उस वेक्टर का वो आपका बी कॉस थीटा ही आता। ओके, तो अब देखिए ए वेक्टर, चलिए यहाँ हेड पे मार्क कर देते हैं, और यहाँ पर बी कॉस थीटा जो है वो आपस में पैरेलल है, इसलिए आप इसको ए बी पैरेलल भी लिख सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से, क्योंकि बी जो है ए के ऊपर फॉल किया है, ए के ऊपर प्रोजेक्ट हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड विथ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ओके, अगर आप इसको चेंज करना चाहें, ए आपके पास मान लीजिए बी वेक्टर एज इट इज, ए वेक्टर एज इट इज, दोनों के बीच का एंगल थीटा, आपको अगर बी डॉट ए निकालना है, बी डॉट ए जब आप ऑब्टेन करने जाएंगे तो इसको बी ए कॉस थीटा लिखेंगे, जो कि बी और ए पैरेलल लिख सकते हैं। क्यों, फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, ओके 90 डिग्री एक बनाता हुआ लाइन, और ए का इस तरफ कंपोनेंट तोड़ेंगे, रिजोल्यूशन में एक बार ध्यान दे देंगे तो पता चल जाएगा, इधर ए कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए बी वेक्टर और ए कॉस थीटा आपस में पैरेलल है, अब आप इसको फिर लिख सकते हैं बी मल्टीप्लाइड विथ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। तो यही है इसका फिजिकल मीनिंग, मीन्स आपने किया क्या है, एक वेक्टर लिया, दूसरे वेक्टर को उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया, और प्रोजेक्ट करके उसको मल्टीप्लाई जब किया तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट दे दिया। जैसा कि आप समझ सकते हैं, अगर हमारे पास इस तरह का कोई स्पेस है और इस स्पेस में हमारे पास एक वेक्टर है, मान लीजिए कैसा इंक्लाइन किया हुआ ये वेक्टर है, इसका कंपोनेंट हम इस तरफ तोड़ सकते हैं, ओके, और इसका कंपोनेंट हम इस तरफ भी तोड़ सकते हैं, ओके। सो अब सपोज कीजिए कि आपके पास पहला वेक्टर ये रेड मार्कर वाला ऐसा है, अब इसके तरफ ये जो बी वेक्टर हमको दिया हुआ है, ओके, इसका कंपोनेंट तोड़ना है, तो इसका कंपोनेंट तोड़ने के लिए यहाँ से रिमूव करेंगे इसको, और इस तरफ जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसके अलोंग ये कॉस थीटा होगा, यानी अब दोनों ही कंपोनेंट देख लिए, ए वेक्टर है और ऊपर में अगर बी था तो बी कॉस थीटा है, अगर इस ओरिएंटेशन में देखना चाहें तो। अगर दूसरे ओरिएंटेशन में हम देखना चाहें, मान लीजिए कि ए वेक्टर था और इस प्लेन में आपका दूसरा वेक्टर बी वेक्टर था, अगर बी का कंपोनेंट हम इधर तोड़ते, ओके, तो ऑब्वियस होता कि साइन थीटा आता, बी साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा वाले कंपोनेंट पे अभी कोई खास ध्यान ना दें, इसको हम लोग देख लेंगे थोड़ी देर के बाद, साइन थीटा का कंपोनेंट किधर गया है, आपके मन में बात आ रही होगी, लेकिन अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा है तो ये रेड मार्कर के तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा वो ब्लैक वाले का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही होगा, और जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो अभी देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन के अलोंग लाई कर रहे थे, ओके, ये डॉट प्रोडक्ट होगा। आप जिस तरह से भी करें, ओके, डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ गए कंपोनेंट वाइज, तो हमने केवल उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया, इसीलिए जो फाइनल मिलेगा वो आपको
स्केलर प्रोडक्ट ही मिलेगा। एक और बात जब बोलेंगे तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि स्केलर प्रोडक्ट ही क्यों है। ओके, फिर से आपको एक बार बता दें कि अगर आपने एक वेक्टर ये लिया है, दूसरा वेक्टर आपका ये है, ओके, आप इसको दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो इस तरफ कंपोनेंट तोड़ सकते हैं अब परपेंडिकुलर में, और नहीं तो उसके पैरेलल में। ओरिजेंटल या पैरेलल में जो कंपोनेंट होता है एंगल इनटू कॉस्ट ऑफ एंगल होता है, इसलिए ये दोनों आपको पैरेलल दिखेंगे। अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर ऐसा होता और रेड वाले मार्कर का भी कंपोनेंट अगर ब्लू वाले की तरफ तोड़ते तो इस तरह से होता, फिर कॉस थीटा ही आता, और अब यहाँ पर दोनों ही पैरेलल हैं। तो हर स्थिति में आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं डायरेक्शन को रिजॉल्व करके, और इसलिए डॉट प्रोडक्ट बेसिकली स्केलर नेचर का होगा। आगे चलिए इसकी बात कर लें। हमको ए डॉट बी या बी डॉट ए केवल मैग्नीट्यूड मिला और दोनों ही प्रोडक्ट सेम ही नज़र आ रहा है, इसलिए हम प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉमुटेटिव। और ये कॉमुटेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है कि अगर ए डॉट बी प्लस सी हमने लिखा तो इसको हम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी भी लिख सकते हैं, और चाहें तो इसको बी डॉट ए, क्योंकि कम्यूटेटिव था, प्लस सी डॉट ए भी लिख सकते हैं। ओके, ऑफ ए वेक्टर विथ इट्सेल्फ, खुद के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो आपको ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल होगा। अब देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, सपोज कर लें कि पहला वेक्टर आपके पास ये है जैसा कि रखा हुआ है, दूसरा भी वेक्टर यही है, ओके, जो यहाँ पर हमने रख दिया, ओके, अभी दोनों वेक्टर आप यहाँ पर रखे हैं, दोनों पैरेलल हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। अगर सेम वेक्टर लेंगे तो डायरेक्शन में चेंज होने की कोई बात नहीं है। तो वैसे केस में आपको जब पैरेलल है तो यहाँ पर कॉस जीरो लिख सकते हैं, और तब ये हो गया ए इंटू वन मीन्स ए स्क्वायर। तो जब भी हम कहीं स्क्वायर देखते हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, इनफैक्ट वेक्टर के टर्म में वो दो सेम वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट में हम देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ही देखना है ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ओके, तो ऐसे केस में हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, अगर वो परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस है कि उसके बीच का एंगल 90 होगा और कॉस 90 जीरो होता है। सबको मालूम है कि ये जो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस होता है इसको एक्स वाई जेड तीन एक्सिस से डिनोट करते हैं। ये एक्स वाई जेड, एक्स की तरफ का आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, वाई की तरफ जे कैप, और जेड की तरफ के कैप। ओके, ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये जब यूनिट वेक्टर मैंने बताया है तो वहाँ क्लियर बताया है। अगर आप इसको देखना चाहें तो कुछ स्थिति ऐसी बनती है। ओके, ये आपको तीन एक्सिस वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा स्थिति बनेगा। अगर ये एक्स है रेड वाला तो ग्रीन वाला वाई एक्सिस होगा, और ये वाइट वाला बेसिकली जेड एक्सिस होगा, और तीनों के बीच में किधर से भी एंगल आपको देखना है आप देख लीजिए। ओके, आपको हर तरफ से एंगल 90 डिग्री दिखाई देगा। ये एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, ये वाई एक्सिस की तरफ आप जे कैप,
और जेड एक्सिस की तरफ के कैप ले रहे हैं, तो सभी एंगल आपको 90 दिखाई दिए, इसलिए मल्टीप्लाई करने के समय, डॉट प्रोडक्ट निकालने के समय ध्यान देंगे। तो क्या है, अगर आपने आई कैप डॉट आई कैप किया, यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 × 1 × कॉस उसके बीच का 0 होगा, और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि सेम वेक्टर के साथ ऑलवेज पैरेलल रिलेशन बनता है, और इसीलिए एंगल वहां पर 0 डिग्री होता है। तो यहां पर कॉस 0 1 हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट इसका वन आ गया। इसी तरह से अगर आप आप जे डॉट जे कर लें, तो वहां पर भी 1 × 1 × जे और डे के बीच में एंगल 0, ये भी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर के डॉट के कर लें, तो ओबियस है कि 1 × 1 × कॉस 0, ये भी आपको 1 हो जाएगा। अब अगर आप आई डॉट जे करते हैं, ओके, जैसे मैंने अभी बता के रखा है कि आपका ये एक्स एक्सिस आई कैप, ये आपका वाई एक्सिस जे कैप, इस दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 × 1 × कॉस 90 इज इक्वल टू कॉस 90 जीरो होता है, तो रिजल्ट भी 0 हो जाएगा। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ जो आप लिखे i.j इज इक्वल टू 0, हम चूँकि कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, आप लिख सकते हैं इसको j.i भी, यानी i.j और j.i का रिजल्ट 0 होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर j.k करें, तो ये आपका वाई एक्सिस जे कैप, जेड एक्सिस के कैप, तो वैसे केस में आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 × कॉस फिर से 90, कॉस 90 जीरो होगा, और जैसा कि कम्यूटेटिव के हिसाब से बताया, तो यहाँ के डॉट जे भी होगा। नेक्स्ट उसी तरह से आप देख लीजिए, अगर के डॉट आई कर लेते हैं, वाइट वाले को मैंने जेड एक्सिस माना है और रेड वाले को एक्स एक्सिस, यहाँ भी आप एंगल देख लीजिए, 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी यहाँ भी 1 × 1 × कॉस 90 दैट इज इक्वल टू 0, ये आपको आ गया, दिस इज इक्वल टू आपको i.k। सो याद रखने वाली बात है कि डॉट प्रोडक्ट में जब यूनिट वेक्टर सेम होते हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट यूनिट मतलब 1 ही आता है, और डॉट प्रोडक्ट में अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर एक्सिस वाले डिफरेंट होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वैसे केस में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये बातें क्लियर हैं होंगी। अब थोड़ी सी बात एक और कर लें, वो बात आपको बेसिकली इस केस में करनी ज़रूरी है, इन 3D स्पेस, हाँ 3D स्पेस में किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ये बात मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में सिखाया है, एक बार उस लेक्चर को देख करके देख लेंगे। अगर हमको ए वेक्टर लिखना है, तो इनफैक्ट उसका एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट इंटू के कैप, ऐसा होता है। उसी तरह से दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, तो आपको बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप भी लिखना होगा। नाउ अब एक काम कीजिए, आप ए डॉट बी की बात कीजिए, ए डॉट बी अगर यहाँ पर आपको निकालना है, तो आपको बारी बारी से सबको मल्टीप्लाई करना होगा। हम यहाँ पर ए एक्स इंटू बी वाई, सॉरी बी एक्स कर लेते हैं, ओके, और डॉट है इसलिए आई डॉट आई लिखेंगे, प्लस ए एक्स इंटू बी वाई आई डॉट जे लिखेंगे, प्लस ए एक्स इंटू बी जेड और यहाँ पर आई डॉट के लिखेंगे, प्लस नेक्स्ट वाले को हम अगर यहाँ लिखें, तो ए वाई इंटू बी एक्स लिखेंगे, जे डॉट आई लिखेंगे, प्लस नेक्स्ट वाले को ए वाई इंटू बी वाई जे डॉट जे लिखेंगे, प्लस ए वाई
बीजेट, यहाँ बीजेट छोटा होता है, हाँ बीजेट, और यहाँ पर आप जे डॉट के लिखेंगे प्लस फिर से अब लास्ट वाले का ए जेड, देखिए के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस अंतिम वाले का ए जेड बी जेड ना के डॉट के। हाँ यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 9 टर्म मिलने वाले थे, 9 टर्म मिल गए। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, अभी बताए थे कि आई डॉट आई वन होगा, आई डॉट जे जीरो होगा, तो यहाँ तो आपको मिल गया ए एक्स बी एक्स इंटू वन ओके प्लस ए एक्स बी वाई इंटू जीरो प्लस ए एक्स बी जेड, आई डॉट के जीरो था जीरो प्लस जे डॉट आई फिर से जीरो प्लस जे डॉट जे वन यानी ए वाई बी वाई प्लस आपको फिर से जे डॉट के जीरो। नेक्स्ट अगर हम लिखेंगे तो नेक्स्ट भी हमको मिल जाएगा प्लस यहाँ पर के डॉट आई जीरो प्लस यहाँ पर के डॉट जे जीरो प्लस ए जेड बी जेड। पूरी तरह से ध्यान दें इसमें केवल डायगोनल टर्म बच गए हैं, और जो लास्ट में टर्म बचा है उसको अगर लिख लें तो लिखने के बाद से हमको मिलेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसमें वन सेकेंड देखिए डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर गायब है, और बिकॉज डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर वैनिश हो गया है, गायब हो गया है, इसलिए ये आपको स्केलर नेचर का होगा। इसलिए मैंने बोला था कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है ओके। डॉट या स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग सेम है। तो ये बात हो गई डॉट प्रोडक्ट की, काफ़ी कुछ हमने देख लिया। अब चलिए इसी के साथ हम लोग दूसरा प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, और वो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का एक नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी होगा। क्यों वेक्टर प्रोडक्ट होगा इसकी बात कर लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है टू वेक्टर ए और बी का, आपको ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर है ना इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप इज इक्वल टू, आप यहाँ भी ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ साइन थीटा इनटू एन कैप लिख सकते हैं। यहाँ पर एन कैप एक एक्स्ट्रा टर्म है, साइन और कॉस तो समझ में आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड भी समझ में आ जाएगा। एन कैप बेसिकली ओके यहाँ पर एन कैप जो है वो बेसिकली आपके पास यूनिट वेक्टर है। एन कैप इज यूनिट वेक्टर ओके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट निकालने की बात आएगी तो थोड़ी देर बाद हम लोग डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट पे चलेंगे। चलिए यहाँ भी अगर आप क्वेश्चन अराइज करते हैं कि सर आप ये बता दो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप कैसे हुआ, तो वंस अगेन ये डेफिनेशन है, इसको मान के चलना होगा। हाँ इसके फिजिकल मीनिंग को समझ सकते हैं जैसा पहले समझ रहे थे, तो आप एक काम कीजिए पहला वेक्टर ले लीजिए, पहला वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर भी आप ले लीजिए, वो वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है, एंगल थीटा है। पिछले बार आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजॉल्व किया था, इस बार आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ करके देख लें, तो इस तरफ ये कंपोनेंट जो होगा वो बेसिकली बी साइन थीटा होगा। अब जैसा आप ए क्रॉस बी में लिख रहे हैं, पहले तो हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो आपके पास ए मिला बी और साइन थीटा मिला, यानी ए इंटू बी परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर वाला है। अब यहाँ पर साफ है कि ए को मल्टीप्लाई किया हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी के साथ।
इसी को अगर दूसरे ये में आपको देखना है कि सर सेकंड वाले केस में क्या, तो आप यहाँ पर ठीक है ए वेक्टर एज इट इज, बी वेक्टर एज इट इज, अब आप चाहते हैं बी क्रॉस ए का प्रोडक्ट, तो आप इसको बी ए साइन थीटा ही लिखेंगे, यानी बी इंटू ए परपेंडिकुलर ही लिखेंगे। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है और इस बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ने की बात आएगी तो बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरफ होगा, ओके ये आपका कॉस थीटा, ओके। अब चलिए यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों ही मैग्नीट्यूड सेम है, आप ए क्रॉस बी की बात करें या बी क्रॉस ए की बात करें। अब डायरेक्शन दिखाने की बात है, प्लेन पे दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, प्लेन पर इसलिए नहीं दिखाना होगा क्योंकि अब डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल की बात करनी होगी। राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल दोनों ही चल सकता है, तो देखिए उसको कैसे मैनेज करेंगे। एक मान लीजिए कि आपका ये ए वेक्टर है जो दिख रहा है, दूसरा आपका यहाँ पर बी वेक्टर है जो दिख रहा है, हमको अगर ए क्रॉस बी करना है और उसके डायरेक्शन को ऑप्टेन करना है तो राइट हैंड थंब रूल ये बताता है कि आपको करना क्या है, ए से बी के तरफ, ए के तरफ आपको चारों फिंगर रखने हैं और बी के तरफ इसको कर्ल करके आना है, थंब जिधर राइट हैंड का बता दे वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके। तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखें तो जो थंब मेरा रिप्रेजेंट कर रहा था उसके डायरेक्शन की बात करें तो थंब कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी अभी ए क्रॉस बी ये ब्लैक मार्कर की तरफ हो गया और ये ब्लैक मार्कर ही आपका जो प्रोडक्ट है एन कैप का डायरेक्शन है। एक बात और यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि ये एन कैप का जो डायरेक्शन है वो उस प्लेन पे नहीं है जिस प्लेन पे आपका ए और बी है, ये आपको तीसरे प्लेन पे दिख रहा होगा, ओके। और बिकॉज ये तीसरे प्लेन पे दिख रहा है तो ऐसे केस में आप यहाँ से भी देख लीजिए, ये ए के साथ 90 डिग्री दिख रहा होगा और बी के साथ भी 90 डिग्री होगा, ओके, यानी दोनों वेक्टर के साथ ये परपेंडिकुलर होगा। ये तो बात हो गई जब हमको ऑप्टेंट करना था ए क्रॉस बी, ओके। अभी अगर हम बी क्रॉस ए के लिए डायरेक्शन खोजने की बात करें तो बी क्रॉस ए खोजने के लिए हमको ये प्लेस फिंगर इस तरफ करना होगा राइट हैंड का और रेड मार्कर मतलब जिसको ए माना है उसके तरफ क्रॉस करना पड़ेगा और तब डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा। ये डायरेक्शन जो आएगा वो नीचे की तरफ से परपेंडिकुलर होगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ओके, अपोजिट प्लेन पे। और ये अगर आप देख लें तो वंस अगेन रेड मार्कर के साथ आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, ब्लू मार्कर के साथ भी आपको ये परपेंडिकुलर ही दिखेगा अगर ध्यान से देखें तो। तो अब ये डायरेक्शन, एक आपको ये वाला डायरेक्शन दिखाना, ओके, दूसरा आपको अपोजिट वाला डायरेक्शन दिखाना, दोनों ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है। और बिकॉज अब हमको थ्री डायमेंशनल बोर्ड तो मिलेगा नहीं, तो वैसे केस में डिनोट करने के लिए क्या करें, तो एक तो तरीका है डॉट एंड क्रॉस का हेल्प ले लें, ओके, डायरेक्शन दिखाने के लिए। और दूसरा तरीका है इसी प्लेन पे कुछ ड्राइंग हम ऐसा दिखा लें कि हमको लगे कि नहीं वो परपेंडिकुलर है। जैसे हम यहाँ पर कोशिश करते हैं दिखाने की, ये हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर हो गया और ये ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो बेसिकली बी के साथ परपेंडिकुलर तो है ही, ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, यानी दूसरे प्लेन में होगा। और इसी तरह से अगर हमने यहाँ बी क्रॉस ए की बात की तो हमको एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा और ये वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा जो ए के साथ भी परपेंडिकुलर है और बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, ओके। आप देखोगे कि आप बी क्रॉस ए को जो मार्क किए हो और ए क्रॉस बी को मार्क किए हो एग्जैक्टली अपोजिट, ऐसे भी इस बोर्ड पे मैंने दिखाया था कि अगर ए क्रॉस बी आपका ऐसा है, ओके, तो बी क्रॉस ए कुछ ऐसा होगा अपोजिट प्लेन में, तो दोनों डिफरेंट प्लेन में हैं, ओके। इस केस में आप इसको डिनोट करने की बात आएगी तो थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर डिफिकल्ट होगा, फिर भी आप कोशिश कर सकते हो। बात कर रहे थे अगर राइट हैंड थंब रूल आपको प्रॉब्लम होता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम कर लिया करो,
जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्शन को कंटिन्यू करते हुए सर्कल कंप्लीट कर लो, और प्रोडक्ट के डायरेक्शन को कंप्लीट करते हुए अगर सर्कल कंप्लीट कर लिए तो उसमें एरो मार दो। ओके, आप एक बार एरो डिनोट कर दिए तो एरो जो आपने डिनोट किया उसके अलोंग आप एक स्क्रू रख करके घुमा लो। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, स्क्रू को जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर की तरफ आएगा, यानी ये जो प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा ये आउटवर्ड बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा। और उसी तरह से अगर बी क्रॉस ए कर रहे थे तो कंप्लीट इसको साइकिल में घुमा लो, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर अगर स्क्रू लेकर के क्लॉकवाइज घुमाते तो क्लॉकवाइज घुमाने के बाद से स्क्रू टाइट होता, मतलब स्क्रू बोर्ड के अंदर जाता, तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर ही होता लेकिन बोर्ड के दूसरी तरफ होता। तो ये डायरेक्शन निकालने के लिए, वेक्टर में डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल का इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब इसके साथ ही जब हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की बात की है तो कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे। पहली प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड में, तो आपको दिख रहा होगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है, लेकिन डायरेक्शन बिकॉज दोनों का अपोजिट है इसीलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ये कॉमुटेटिव नहीं है। इनफैक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, इसमें इसीलिए ऑर्डर का काफ़ी ध्यान रखना होगा, एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए भी फॉलो करेगा, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जैसे वहाँ पर ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख ले रहे थे, या ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिखेंगे। ओके, कुछ और प्रॉपर्टी बताने के लिए, एक प्रॉपर्टी तो आपका था कि अगर एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तब क्या होगा। अगर हमारे पास एक कोई वेक्टर, मान लीजिए कि ए वेक्टर है, ओके, और उसको ए के साथ ही क्रॉस कर रहे हैं, तो ए बेसिकली ए ए एंड साइन जीरो हो जाएगा, उसके साथ एन कैप कुछ लगा रहेगा, साइन जीरो जीरो बना देगा, यानी एक नल वेक्टर मिल जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ साइन 90 होगा, यानी तब उस केस में आपको प्रोडक्ट जो है मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और डायरेक्शन के लिए फिर से राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा, और राइट हैंड थंब रूल आपको डायरेक्शन बता करके दे देगा कि किस डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, चलिए ये सब बातें हो गई। अब थोड़ी सी बात आपको ये भी बता दें कि अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ओके, यूनिट वेक्टर आई जे के कैप का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर आई क्रॉस आई करें, ओके, तब क्या हो। तो देखिए आई का मैग्नीट्यूड वन और यहाँ पर आप चेंज करेंगे साइन, ओके, जीरो इंटू आप एन कैप लिखेंगे। ओके, ये तो जीरो हो गया, एन कैप जीरो इंटू एन कैप नल वेक्टर मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी, ओके, एन कैप लेकर के करेंगे तो आपके पास नल वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ भी आपको साइन जीरो और एन कैप ले लेंगे तो नल वेक्टर मिल जाएगा। यानी यहाँ पर जस्ट अपोजिट कुछ रिलेशन आ रहा है कि अगर आप आई को आई के साथ, या जे को जे के साथ, या के को के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद से उसका जो रिजल्ट होता है वो नल वेक्टर होता है। अब यहाँ थोड़ी सी बात परपेंडिकुलर वाले केस में कर ली जाए, ओके, तो अगर हमको आई को क्रॉस करना है जे के साथ तो क्या होगा। एक तो वन मैग्नीट्यूड, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड वन इंटू साइन की बात करें तो साइन यहाँ पर आपको फिर 90 हो जाएगा इंटू एन कैप। उसी तरह से अगर आपको जे क्रॉस के करना है तो ये रिजल्ट क्या आएगा, वन इंटू साइन 90 इंटू एन कैप। एन कैप देखना होगा कि किधर होगा। उसी तरह से अगर आपको के क्रॉस आई करना है, ओके, तो वन इंटू साइन फिर से 90 इंटू एन कैप। रिजल्ट क्या होगा इसको भी देखना होगा। ओके, इस रिजल्ट को देखने के लिए मैं फिर से ये हेल्प लूँगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हमारे पास सिस्टम है। मैंने पहले बोला था आपको कि रेड मार्कर को एक्स एक्सिस
ग्रीन को वाई एक्सिस और वाइट वाले को जेड एक्सिस मान लीजिए। सबसे पहले आपको आई क्रॉस जे करना है। ओके, आई के तरफ आपने चारों फिंगर रख दिए और ग्रीन मार्कर जे कैप है, जे कैप की तरफ आपने घुमाया, थंब जो है ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी अब जो वहाँ पर एन कैप आपने लिखा है ये एन कैप रिप्लेस होगा, ये एन कैप हो जाएगा के कैप। ओके, और इसीलिए रिजल्ट यहाँ पर के कैप हो गया। उसी तरह से आपको जे क्रॉस के करना है। याद रखेंगे इसमें जो ग्रीन मार्कर है वो बेसिकली आपका वाई एक्सिस है और वाइट वाला है वो आपका एक्स एक्सिस है। तो आप यहाँ पर वाई से एक्स की तरफ आएँ तो ये वाइट वाला जेड एक्सिस है तो जे क्रॉस के मतलब वाई से आप इस तरफ आएंगे जेड की तरफ, तो ये थंब जो है रेड मार्कर की तरफ दिखा रहा है, यानी रेड मार्कर आपका एक्स एक्सिस हो गया, यानी यहाँ पर एक्स एक्सिस की तरफ आपने आई कैप रिनोट किया है, आई कैप हो जाएगा रिजल्ट इसका। के क्रॉस आई अगर आप करेंगे तो के क्रॉस आई करने में ये देखिए आपके पास के है और ये आई है, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस। अब आपको इस तरह से प्रोडक्ट निकालना है, थंब जो है आपको डिनोट कर रहा है किस तरफ, तो वाई एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, इसलिए आप इसको जे कैप लिख सकते हैं। ओके, एक बात और इसमें तय है कि जो आई क्रॉस जे है, जे क्रॉस आई उसका नेगेटिव होगा, और इसीलिए आप एक मल्टीप्लीकेशन साइकिल यहाँ याद रखिए। मल्टीप्लीकेशन साइकिल में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, ये बात याद रखेंगे। ओके, अब तीन जगह पे आप मार्क कर दीजिए, एक जगह आई जे और के। याद रखिए जिस दोनों को मल्टीप्लाई करना है उसको आप कवर कर लीजिए, जो बचा हुआ पार्ट है ओके वो आपको रिजल्ट दे देगा। जैसे आई क्रॉस जे करना है इसको कवर कर लीजिए, ओके आपके पास बचा हुआ जो पार्ट है वो के कैप है, इसीलिए आई क्रॉस जे के कैप के बराबर होगा। आपको अगर जे क्रॉस के करना है तो एक काम कीजिए, जे और के को कवर कर लीजिए, जो बच गया वो आपको रिजल्ट आई दिख रहा है क्लियरली, यानी आपको आई कैप दे देगा। और इसी तरह से के क्रॉस आई करना है तो इस दोनों को कवर कर देते हैं, जो बचा हुआ है वो आपको जे कैप रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज चलें, ऑब्वियस है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। अब चलिए इसी तरह से आप थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक बार ए वेक्टर को इस तरह से लिखेंगे, बी वेक्टर को इस तरह से लिखेंगे, और ए क्रॉस बी वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हमारे पास वही 9 कंपोनेंट होंगे, बस जहाँ जहाँ आपने डॉट लिखा है वहाँ वहाँ क्रॉस हो जाएगा, और आप हर जगह पर रिप्लेस कर दीजिए क्रॉस से। तो क्रॉस से रिप्लेस करने के बाद आपको रिजल्ट क्लियर दिखेगा। यहाँ जैसे हमने क्रॉस से रिप्लेस कर दिया सभी जगह, क्रॉस से रिप्लेस करके अब ऊपर से चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। एक बात तय है, बहुत क्लियर है कि ये जो डायगोनल है वो ख़त्म हो जाएगा। डायगोनल क्यों ख़त्म हो जाएगा ये बात आपको मालूम है, क्योंकि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जीरो यानी नल वेक्टर। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसकी बात करें तो अब हमारे पास पहला जो बच गया वो ए एक्स बी वाई है। आप इसको ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे को के लिख सकते हैं, प्लस हमारे पास ए एक्स बी जेड है, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज माइनस जे हो जाएगा, प्लस आपके पास अगला बचा हुआ है जे क्रॉस आई ए वाई बी एक्स, ये माइनस है ना के कैप हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास ये ए वाई है ना बी जेड जो बचा हुआ है उसको मार्क कर लें, तो उसको मार्क करने के बाद से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ रिजल्ट जे क्रॉस के आई था तो यहाँ आई कैप हो जाएगा, प्लस आपके पास ए जेड के क्रॉस आई जे था, इसलिए ए जेड के साथ कुछ छूटा हुआ जी, ए जेड के साथ हमारा छूट गया क्या, ए जेड के साथ यहाँ पर होगा ओके बी एक्स, तो यहाँ पर ए जेड
बी एक्स, ओके। और ये हो गया हमारे पास के क्रॉस आई जे कैप प्लस ये बीच वाला टर्म के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, यानी यहाँ पर आपके पास क्या है ए जेड, है ना, ए जेड बी वाई, और फिर यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस आई, ओके। इतने टर्म हो गए। एक काम कीजिए, आई कैप को सबसे बाहर निकाल लीजिए, ओके, जे कैप को भी सबसे बाहर निकाल लीजिए, और लास्ट में के कैप को भी सबसे बाहर निकाल लीजिए। रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, जब आई कैप बाहर निकालेंगे तो आई कैप एक पॉजिटिव मिलेगा, देख लीजिए ए वाई बी जेड, और नेगेटिव वाले में ए जेड बी वाई था। नेक्स्ट अगर आप देखें जे कैप जहाँ से बाहर निकालना है, तो जे कैप आपने बाहर निकाला, जे कैप एक पॉजिटिव होना चाहिए, देखिए ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ओके। और इसके बाद से के कैप में एक पॉजिटिव था ए एक्स बी वाई, और माइनस के कैप में एक नेगेटिव था आपको कहाँ, यहाँ पर ए वाई बी एक्स। इस रिजल्ट में आपको देखिए आई कैप जे कैप और के कैप रह गया, यानी क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने निकाला तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके आप देख सकते हो कि अंतिम में यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों ही है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट एक तरह से वेक्टर प्रोडक्ट भी है। इसीलिए मैंने बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। बट एक और बात यहाँ पर, अगर आप इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा, और ये थोड़ा सा आपको क्लियरिटी भी कम हो जाएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को एक और चीज़ यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे इसको मिटा देते हैं, रिजल्ट आप याद रखना, या रिजल्ट चलो छोड़ देते हैं फिलहाल हम इसको देखने के लिए। अब यहाँ हम लिखना शुरू करें तो लिखना शुरू करेंगे तो क्या, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लीजिए आई जे के, ओके। अब पहला जो है उसका कंपोनेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग में नीचे लिखते जाइए, ए वेक्टर पहला है इसीलिए ए एक्स ए वाई और ए जेड पहले लिख लेंगे, और उसके बाद से हम लोग बी जो सेकंड है उसको लिखेंगे बी एक्स बी वाई और बी जेड, इसके मैग्नीट्यूड हो गए, इसको एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बना लीजिए। अब प्रोडक्ट निकालने की बात आएगी, काफ़ी आसानी से ये प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा, ओके। तो जब प्रोडक्ट यहाँ पर निकालने की बात है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ऐसा है कि आप जिसके कॉरस्पॉन्डिंग में रिजॉल्व कर रहे हैं उसको कवर कर लीजिए, और एक बात और याद रखेंगे, अगर आप इस तरह से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, ओके, तो पॉजिटिव लीजिएगा, और अगर इस तरह से जा रहे हैं तो उसको नेगेटिव लीजिएगा। ये आपके लिए एक थंब रूल होगा, कैसे होगा डिटर्मिनेंट में सीख लेंगे। तो पहले वाले पार्ट में मैं बोला कि आप इसको कवर कर लीजिए, ओके, आई कैप के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो देखिए आपके पास ए वाई बी जेड है, ए वाई बी जेड, और दूसरे वाले में ए जेड बी वाई, एरो चलिए इसको आप ऐसे कर लीजिए, आपको और सुविधा हो जाएगी, ओके। अच्छा, अगर फर्स्ट बार एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव लेना है, ओके, रो और कॉलम का कोई चक्कर होता है वो बाद में आपको क्लियर बता दिया जाएगा, एक्चुअली ये माइनस वन टू द पावर रो प्लस कॉलम होता है, जैसे इसका एड्रेस जो होगा कॉलम नंबर वन रो नंबर वन, तो आर के जगह वन रखेंगे सी के जगह वन रखेंगे, वन प्लस वन टू होगा, माइनस वन टू द पावर टू इज इक्वल टू प्लस, इसीलिए पहला पॉजिटिव। इसका एड्रेस जो होगा ये आपको रो नंबर वन कॉलम नंबर टू होगा, तो यहाँ वन प्लस टू थ्री होगा, माइनस वन टू द पावर थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, इसलिए यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। और अब देखिए आप जब उस रो को रिजॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको मार्क कर लीजिए, अब आपको जो लिखना होगा कुछ ऐसा लिखना होगा ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड, ओके। तो आप अगर इसको लिख रहे हैं फिर से तो क्या लिखेंगे, ए एक्स
बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ओके, अभी आप नेक्स्ट वाले को क्या लिखेंगे वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट वाले में आपका ये कवर कर लीजिए, क्योंकि के अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, और फिर आप ए वाई बी एक्स, वो भी नेगेटिव में। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ नेगेटिव साइन आया, चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए इसको टर्न कर लीजिए, मतलब आप इसको लिख लीजिए ए जेड बी एक्स माइनस यहाँ पर ए एक्स बी जेड। ओके, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से हट गया, जो पहले रिजल्ट था वही रिजल्ट आ जाएगा।